तो बदलाव भले ही छोटा रहा हो लेकिन एक शुरुआत की, और शुरुआत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से शुरुआत हुई है और यही शुरुआत एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ेगी। एक बड़े पैनल के साथ हम इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से दो खास मेहमान जुड़े, उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ संजय चड्ढा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, भूपेन धर्माणी जी दिल्ली से। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में भी एक मेहमान रहेंगे। लेकिन संजय जी, शुरुआत में आपसे करूंगा कि अंधा कानून मत कहिएगा आप, क्योंकि आंखों से पट्टी हटा दी गई है, किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं? बहुत अहम कदम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और उसी की वजह से जैसे कि आपने बताया अपने कार्यक्रम में, तीन चेंजेस हुए हैं। एक तो तलवार जिसे हम फोर्स के द्वारा जस्टिस की बात करते हैं, मैं एक बात भी बताना चाहूंगा बाद में चाहे बोलूं उसके विषय में, कि आज जो नए तीन क्रिमिनल कानून आए हैं उनमें भी हम देखते हैं कि किस प्रकार फोर्स को हटा के जस्टिस की बात की गई है वहां पे, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे अहम है, जो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ड्रेस का अटायर जो है, साड़ी पहनी हुई है, हमारी भारतीयता, भारत, ये पहली बार भारत के प्रति ये चीजें हुई हैं। इसके बाद आंख पे पट्टी वाली बात आपने बहुत विश्लेषित रूप से कर दी। देखिए, ये जो कहां से हमने ली है ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश, ग्रीक, रोमन, इजिप्शियन, ये बैकग्राउंड से ये वहां की न्याय की देवी का हम लोगों ने अडॉप्ट किया। हम लोग भी कॉलोनियल पावर थे, हम लोग के ऊपर ब्रिटिश राज था, तो उन्हीं की चीजें ही हम अडॉप्ट कर सकते थे। जैसा हम पहले एक बार प्रोग्राम में आपसे मैंने जिक्र किया था कि किस प्रकार न्याय संहिता जो है, जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, वो हमें एक दिन में कैसे मिल गया, क्योंकि हमने उसी को अडॉप्ट किया प्राइमरली। तो जो मुझे ऐसा लगता कि अगर मैं टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करूं, इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस सब शुरुआत है। हम जो बात करते थे ना ब्रिटिश ज्यूरिसप्रूडेंस और इस तरह की, और तो इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस की एक और कदम है, जैसे वो नए तीन कानून थे और आपने तमाम चीजें अपने उसमें कही। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि देखिए, ये बदलाव पहले आ जाना चाहिए था। मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं। मुझे मौका लगा था पाकिस्तान जाने का, तो वहां पे मुझे ये ट्रॉफी एक दी गई थी। अच्छा, आप अगर गौर फरमा पा रहे हैं, देखिए इसमें जो तराजू है, लॉन्ग शॉट पे नजर डलवाना चाहता हूं। जी सॉरी, अब दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। ज्यूरिसप्रूडेंस है वो बताती है कि तराजू स्ट्रेट रहे, तो अब प्रभाव मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से ये एक इसी प्रकार से हमारी अब शुरुआत हुई है भारत के। मैं इसका स्वागत करता हूं, और बड़े जो ये निर्णय लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, मुझे लगता है कि संजय जी, इस बदलाव को किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि भारत तेजी से बदल रहा है, अलग अलग सेक्टर में बदल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में बदल रहा है, इस बदलाव को किस तरीके से देख पा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से सामने? हालांकि अभी ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में ही रखी जाएगी, लेकिन एक बड़ा क्या मैसेज है आगे के लिए? देखिए, मैसेज ये है कि आपने ये बात से मैं सहमत नहीं हूं कि लाइब्रेरी में ही रखा जाएगा। अब तो ये अन्य जगहों पे भी यही प्रेषित होगा, और अब ये एक सिलसिला बन जाएगा, और हम एक बड़ा छोटा सा सिंबॉलिक है, कोई इतना बड़ा अहम कदम नहीं है। आपने जैसा कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि कई अन्य मुद्दे हैं जिन पे काम होना बहुत जरूरी है। और सरकारें न्याय व्यवस्था उस पर काम कर रही, जैसे कि कितनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है, कितना समय लगता है, क्या करें उस सबका, वो भी एक अहम चीज है। लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम चले, तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर स्टेप ये कदम है। और इसकी महत्ता खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि जो लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस से लोग इन्वॉल्व हैं, लॉयर्स, जजेस, और जो तमाम पैराफर्मिलिया है सरकार का जो लॉ से इन्वॉल्व है, उनके ऊपर इसका प्रभाव बिल्कुल हमें पता चल रहा है। वी आर फीलिंग दिस। तलवार की हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि शक्ति का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक, लेकिन अब दंड की जगह न्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जब बिल पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कई बार यह बात दोहराई कि जो अंग्रेजों के जमाने के आईपीसी एनए के जो कानून थे वो दंड पर आधारित थे, लोगों को सजा देने पर आधारित थे, लेकिन जो नए बीएनएस आए, भारतीय न्याय संहिता, जो नए कानून आए हैं, वो न्याय पर आधारित है।
बिल्कुल सही आपने कहा, जो नया जो ये कानून व्यवस्था आपने जैसे नए तीन कानून के विषय में आपने बताया, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इवन जब वो प्रेजेंट किए प्रस्तावना में भी अपने भाषण में भी ये बताया गया कि क्या उद्देश्य है, उस सब कानून का उद्देश्य था सजा देना मुलजिम को। आज का उद्देश्य क्या है, न्याय देना। न्याय अर्थात तो ये एक बहुत बड़ी, और ये जो एक प्रतीकात्मक चेंज है जो आपने अभी बताया, वो तो उस चीज को प्रतीकात्मक तरीके से दे रहा है, लेकिन उसी चीज को अभी हमने अपने आईपीसी के जो पुराना कानून था उसमें चेंज करके उसको जो है वास्तविक रूप में पेश किया, और वास्तविक रूप में आज का जो कानून है, आज की तिथि में जो कानून है, उसका मुख्य उद्देश्य दंड देना नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य न्याय देना। तो ये तमाम चेंजेस हो रहे हैं, ये इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में मुझे लगता है कि एक और मील का पत्थर है, चाहे वो छोटा ही सही, लेकिन ये भी एक सकारात्मक और न्याय की तरफ क्या हम भारतीय लोगों की जुडिशरी बदलाव की ओर प्रतिबद्धता है? को क्या भारतीय जुडिशरी दर्शाता, बदलाव की ओर है? न्याय की तरफ प्रतिबद्धता को दर्शाता है मेरा मानना। आपने कुछ कहा, मैं समझना चाहूँ कि भारतीय जो जुडिशरी है, भारतीय न्यायपालिका जो है, वो बदलाव की ओर जा रही है, वो भी अपने आप को बदल रही है? देखिए एक मैं एक बिंदु बार बार हर जगह पे कहता हूं, लॉ क्या है, लॉ का उद्देश्य क्या है, लॉ का उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्देश्य मात्र और मात्र एक ही है, वो है सोसाइटी की को केटर करना, सेवा करना। आज आईपीसी क्यों है या जो न्याय संहिता है वो क्यों है, उसका उद्देश्य यह है कि जो गैर कानूनी चीजें हैं या जो वो है वो बंद हो, उसको लागू करने के लिए। और सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, आपको ये मान स्थिर नहीं है, सोसाइटी सोसाइटी डायनेमिक है, हर दिन नए चेंज आ रहे हैं। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल देता हूं, जी सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, क्या आज से 30 साल पहले हम लोगों के पास साइबर न्याय साइबर कानून के लिए कोई व्यवस्था थी? आंसर आपके पूछे बगैर मैं दे रहा हूं, नहीं थी, क्योंकि तब आवश्यकता नहीं थी। तो जिसे कहते हैं ना कि ये आवश्यकता आवश्यकता ही आविष्कार आविष्कार की की जननी जननी है, है। तो ये तो रिक्वायरमेंट थी ना हमारी, तो सोसाइटी को केटर करने के लिए ये बहुत बहुत अहम थी, और दैट इज द रीजन ये चेंजेस लॉ में भी आए। आपने अपने प्रारंभिक उद्घोषण में ये भी कहा था, अगर मैं करेक्ट कर सकूं, मतलब बिल्कुल सही फरमाया था कि इस कुछ पिछले कई सालों में सैकड़ों जो ऐसे कानून है उनको हटाया हटाया है, गया। कितनी बार जजमेंट्स लाके सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुराने रिडंडेंट प्रोविजंस को हटा देती है। ठीक है, तो यही उसी प्रक्रिया का पार्ट। कि तलवार की जगह संविधान और आंखों से पट्टी हटाना एक नई शुरुआत है, और शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। संजय जी, जिस देश में जितने ज्यादा कानून उतना गड़बड़ झाला, उतना न्याय मिलने में देरी, उतने तारीख पर तारीख, कम कानून तुरंत न्याय, क्या ये कॉन्सेप्ट की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है? देखिए जैसा आपने कहा और हम सब जानते हैं कि पिछले एक दशक में 1562 से ज्यादा कानूनों को निरस्त किया निरस्त गया, किया गया। हटाया गया, रिप्लेस किया गया, रिपील किया गया, उनको हटा दिया गया, वो अब एक्शन में नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये कि कितनी बड़ी एक चीज हटा दी गई, तो छोटा हुआ वो जो एम्बिट हुआ करता था इतना बड़ा, वो एम्बिट अब छोटा हो गया। तो उसी में क्विकर जस्टिस के लिए भी कई, दिस इज वन ऑफ द स्टेप, एक छोटा सा सूक्ष्म प्रयास है, ऐसे कई सूक्ष्म वृत्त प्रयासों की आवश्यकता है, जिन प्रयासों के बाद ही हम तेजी से न्याय की जो एक जिसे कहते हैं ना अभिलाषा है या जहन में हम लोगों के एक ये बात है कि हम ये लाना ही है, तो वो तभी हो पाएगी जब इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाएंगे। बड़े अच्छा शाही जी ने कहा कि ये एक आत्मबल देगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, निश्चित तौर पे ये आत्मबल भी बढ़ाएगा और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा, मैं उनकी बात से 100% बहुत शॉर्ट में आपके प्रश्न का जवाब। फिर एक चीज मुझे जहन में आई, वो भी शेयर जी करना प्लीज। चाहूंगा। देखिए बहुत अहम था, और ये बात तो सही है कि हम सब जानते हैं कि ढर्रे पे चल रहा है, चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक मानसिकता हो गई थी, और निश्चित तौर पर जो ये कदम है ये दर्शा रहे हैं कि उस मानसिकता से हम ऊपर उठ गए हैं, वो मानसिकता अब हमारे साथ नहीं है, हम उसी ढर्रे पे नहीं, बेहतरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम किसी भी तौर पे एक चीज चल रही है तो
चले जा रही है। और एक चीज और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों स्वीकार किया हमने पिछला वाला, हो सकता है कि हमारे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इजिप्शियन गॉड थी वो, तो गॉड को तो हम लोग सब हमारे पूरा देश किसी भी चीज को स्वीकार कर लेता, यही तो भारत की जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी खूबी है। एक छोटी सी बात जो मेरे जहन में आई थी, मुझे याद पड़ रहा है, दिल्ली में एक जगह है किंग्सवे कैंप, वहां पे आप चले जाइए तो सैकड़ों, तो कम मैं बोल रहा हूं, हजारों की तादाद में अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए प्रतिमाएं, बहुत बड़े बड़े स्टैच्यूज, उनको उतार के रखा गया था। तो ये एक मुझे लगता है कि पुरानी प्रतिमा को वहीं भेजना चाहिए, क्योंकि तब जब देश आजाद हुआ था पूरे देश में इस तरह के स्टैच्यूज लगे हुए थे ब्रिटिशर्स के, उनको उतारा गया था। तो ये भी एक उसी क्रम में है, मुझे ऐसा लगता है उसको भी वहीं पहुंचना चाहिए, बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब हम लंबित मामलों की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी बड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि लंबित मामलों की संख्या अभी भी बहुत, और खासतौर से जिला न्यायालयों पे इनकी संख्या ज्यादा है? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, और ये तो जिसे कहना चाहिए ना, बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया अखंड जी ने, कि ये त्रासदी है, निश्चित तौर बहुत बड़ा, ये अन्याय है, न्याय नहीं, ये अन्याय है। और हम इसको देखते हैं तो बड़ा हृदय जो है, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत दुख होता है, क्योंकि आप न्याय लेने जाएं, आपकी पूरी पीढ़ी लग जाए तो ये उस न्याय का कोई मतलब नहीं, देर से मिला न्याय का कोई मतलब नहीं, इसका ऐसे न्याय का क्या मायना है। बहुत अच्छी सी पुरानी कहावत है, सबको मालूम है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिनाई हो गया अगर जस्टिस डिलेड है, और फिर प्रोसेस मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय के बाद जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और इवन हाई कोर्ट में भी है तो पहले आपने एक, अगर कोई रिट, मैं एक वैसे बोल रहा हूँ, रिट डाली तो रिट अगर निरस्त हो गई तो आप एलपीए डाल लीजिए, एलपी, इस तरीके का कहने का आशय है कि पूरी, और लेकिन वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, यू हैव टू सी दैट। निश्चित तौर पर कई कदम उठाने की आवश्यकता है, आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो है कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए एडवांस कोरोना पीरियड में इजाद हुई, यही जस्टिस, चीफ जस्टिस हमारे जो हैं, यही उस कंप्यूटर सेल के अध्यक्ष होते थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, हमने आपने देखा, और किस तरीके से आज वो अन्य ट्राइब्यूनल्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अन्य हाई कोर्ट्स में भी पहुंच गई हैं। इसका लाभ बहुत है निश्चित तौर पर, लेकिन इसकी कुछ एक अपनी खामियां भी हैं जो मेरे ख्याल लगता है कि इनहेरेंट है। देखिए, लाभ सबसे बड़ा यह है कि जो जर्नल मैटर्स हैं, जिनमें डेट लगनी है, या जिनमें प्रोसीडिंग्स को, जिसे कहते हैं ना, प्लीडिंग्स का कंप्लीशन होना है, इस तरह की जो चीजें हैं, वो तो कम से कम उसके लिए वकीलों को, पार्टीज को, वकीलों की भूमिका और बढ़नी चाहिए। संजय जी, आप एक वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, क्या आपको लगता है वकीलों की जिम्मेदारी और बढ़नी, बढ़ाने की जरूरत, तो वकीलों की संख्या भी क्या आपको लगता है कम है? देखिए, कम तो मैं नहीं कहूंगा, ऐसी कोई कमी नहीं है वकीलों की, नंबर वन। नंबर टू, एक बात आपकी बात से मैं चुरा रहा हूं, और बहुत बहुत ही जबरदस्त बात है, वो है कि वकीलों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्यों हम जो है वन और द अदर ग्राउंड में एडजॉर्नमेंट देते हैं? नए कानून में ही व्यवस्था है, नए क्रिमिनल लॉ में, कि एडजॉर्नमेंट अगर दे रहा है तो जज दे रहा है या लॉयर दे रहा है, लॉयर की वजह से आ रहा है तो उसका पूरा जो जजमेंट है या ऑर्डर है उसमें उसका कारण लिखा जाएगा, एक। दूसरा, एक मियाद कर दी गई है तय कि भैया इतने दिन में करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं कर रहे तो जाइए, हम इसको आपके विरोध में उसको काउंट किया जाएगा। इस तरह के कुछ कुछ कठिन निर्णयों की तो आवश्यकता है ही है। अब देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ में जो ये नया प्रचलन, नया जो सिद्धांत हमने अभी लागू किया है, क्या वो सिद्धांत परिपक्व रूप से, सही रूप से लागू होता है? वो तो बहुत अच्छी बात है, इसको सिविल में अडॉप्ट कर लेंगे। सिविल केसेस की पेंडेंसी रिमार्केबली बैड है, मैं ये बता, बहुत ही गड़बड़ है, इसका कोई सानी नहीं है। बिल्कुल सही, और ये भैया, ये जब हम लगातार बदलाव की बात करें, चाहे हम औपनिवेशिक काल के प्रतीकात्मक बदलाव की बात करें, या फिर न्याय की देवी की जो आंखों से पट्टी हटाना, तलवार की जगह संविधान देना, संजय जी ये जो कहानी है, चाहे हम जुडिशरी की बात करें या फिर
जस्टिस ऑफ लेडी में जो बदलाव हुए हैं, इस कहानी की बात करें, लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक ऐसा रास्ता जो निश्चित तौर पे कठिन है, उस पे हम चल रहे हैं, उस रास्ते को हमें ही तैयार भी करना है भी, हाँ. और हमें ही उसको आगे की जनरेशंस के लिए छोड़ना, निश्चित तौर पे कुछ कठिन कदमों को उठाने की आज आवश्यकता है, सरकार को पॉलिटिकल विल को और जगाने की आवश्यकता है, तभी ये निर्णय और इस तरह के छोटे छोटे जो माइलस्टोन है ये सार्थक होंगे, अन्यथा आप अगर हमने वो पट्टी हटा दी, ये तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया, निर्णय हम दे नहीं पा रहे तो उसका क्या होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेट्स बिगन फ्रॉम टुडे, एवरी डे इज द बिगनिंग, आज से आरंभ करें तो हमको और कैसे अपने न्यायाधीशों को हमने मजबूती देनी है, कैसे लीगल में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो लीगल में है उसको कैसे और परिपक्वता देनी है, कई लोगों ने इस पर निर्णय दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, लॉ कमीशन ने, उन सबको परिपक्वता से लागू करना और उनका लागू होते हुए देखना मेरे ख्याल है आरंभ का कदम। बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरुआत हुई है लेकिन सफर लंबा है और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जुडिशियल की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक छोटी शुरुआत हुई है, एक बड़ा संदेश जाएगा क्योंकि ये बड़ा बदलाव, बड़ा प्रतीकात्मक बदलाव है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा दिखाई देने वाला है, बस जरूरत है कि एक साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाना। संजय जी, आपने दिल्ली से समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।